यार उदास उदास नहीं बैठा, असल में एक हो रहा सर में दर्द, दूसरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे जो चंद दिन पहले जिस शेर को कहा गया था, आज तो उतनी भी ना बची पैमाने में जितनी छोड़ दिया करते थे अक्सर मैं खाने में। गलत हो गया, दोबारा। आज तो उतनी भी ना बची मैं खाने में, देखो ये सर में दर्द हो रहा है ना इसलिए शेर की आमद नहीं हो रही सही। आज तो उतनी भी ना बची मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे अक्सर पैमाने में। एक तो बिरयानी की कमी हो रही है जिस्म में, जबकि मैंने रात को खाई है 12-1 बजे। लेकिन क्या करें, भूख लग रही है। दूसरा यार मैं ना बड़ा तंग आ गया हूँ, रूटीन चेंज करूँ यार अपनी। मैंने देखा है कि आपके पास कुछ 6-7 मोबाइल हैं। ये क्या वजह इसकी? भाई मैं आपको बताता हूँ 6-7 मोबाइल किस लिए हैं। सर मैंने एक मोबाइल परचेज किया था 2015 में, 7 साल पहले। उसकी जो स्टोरेज थी वो थी 16 GB, वो आज भी मेरे पास है। उसके बाद मैं अपग्रेड हुआ 64 GB पे आया, यूज़ के अंदर मोबाइल लिया, वो पहले मैंने डब्बा पैक लिया था, फिर यूज़ के अंदर लिया वो भी रखा हुआ है याद के तौर पे, मतलब कि कलेक्शन है ना। उसके बाद फिर एक और मोबाइल लिया, पोको का M3। पोको M3 बेकार मोबाइल है, रिजल्ट कैमरा बहुत शानदार है लेकिन मोबाइल इतना मज़े का नहीं है क्योंकि बड़े मसले मसाइल हैं उसमें, वो फिर छोड़ा। उसके बाद फिर ये सैमसंग ले लिया, ये डब्बा पैक लिया, ये बहुत अच्छा मोबाइल है। फिर साथ में आईफोन ले लिया, फिर कराची के हालात को देखते हुए एक नोकिया का एक छोटा मोबाइल ले लिया। वो सारी कलेक्शन रखी हुई है, आसारे कदीमा में जाएगी इंशाल्लाह किसी टाइम पे, कि जब हिस्ट्री दोबारा से प्रिजर्व की जाएगी तो मोबाइल इसमें इस्तेमाल होंगे। अच्छा, इस दफ़ा आप जब घर से वापस लौट रहे थे तो सुना कस्टम वालों ने रोक लिया मोबाइल के चक्कर? हाँ, उन्होंने कहा यार ये इतने सारे मोबाइल क्यों हैं। कस्टम वालों ने नहीं, मतलब वो जो इमिग्रेशन वाले, मतलब इमिग्रेशन, वो इमिग्रेशन में नहीं सॉरी, मतलब ये जो काउंटर आखिरी होता है हमारा क्लियरेंस का, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा भाई जी इतने मोबाइल क्यों। मैंने कहा सर मेरा डाटा बहुत ज़्यादा है, मैंने सेव नहीं किया कंप्यूटर में, तो मैंने आज तक उनको संभाला हुआ। और हकीकत बात है मेरा जो 2015 का मोबाइल है उसके अंदर भी मेरा डाटा है, उसके अंदर भी मेरी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो अभी तक संभाली हुई हैं। मेरे हर मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ मेरा डाटा है। उन्होंने रोका, उन्होंने मुझे रोक के सवाल हंसते हुए सवालात किए, बाकी लोगों को वो जाने दे रहे थे, मुझे रोक के ना हंसते हुए यार आपने इतना मोबाइल रखे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं थी मैंने कहाँ जाना था। इंटरनेशनल फ़्लाइट पर होता तो हो सकता कि यार भाई तू कौन सी तंजीम से तुम्हारा ताल्लुक है तो तब रोकते। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है, शरीफ से इंसान है, शराफत भरी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो 4-5 मोबाइल आप लाइनों में अपने आगे रख के लैपटॉप पे फिर बैठते हैं, इसमें क्या रहा है? यार वो फील ले रहा होता हूँ इजी लोड वाली, इजी लोड वाला नहीं 4-5-6 मोबाइल शाम में रख के बैठता।